आज हम पता चलाने वाले हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। हमारे पास है सबसे पहले अल्कोहल मार्कर्स, जो बाहर से तो अच्छे लग रहे थे। आइए देखते हैं कैसे है। इसमें कुछ ही कलर्स है और मुझे तो इनको यूज़ करने बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मुझे पसंद आया। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कलर पेंस। कलर पेंस में एक यूनोमैक्स और एक पेंटोनिक। पेंटोनिक का ये देखिए, कुछ कुछ तो चल भी नहीं रहते। आई गेस यूनोमैक्स विंस। और नेक्स्ट हमारे पास ब्रश पेन। ये फ्लेयर के ब्रश पेन था, मुझे बहुत गंदे लगे। कुछ कलर्स अच्छे से चल नहीं रहे थे। रेड तो अजीब लग रहा था और ब्राउन तो पर्पल दिख रहा था पूरा का पूरा। हमारे पास यहाँ पे कैमल के, कैमल का तो मेरे पास बहुत बड़ा वाला पैकेट था। और कैमल का देखिए कितना स्मूथ दिख रहा है, आप ही देखिए। और फिर उसके बाद है पेंसिल्स। तो मेरे पास ड्राइंग पेंसिल्स में मैं कैमलिन की यूज़ करती हूँ। मैं तो ज़्यादा ड्राइंग पेंसिल्स यूज़ नहीं करती हूँ, नॉर्मल पेंसिल ही बेस्ट है। फिर है हमारे पास उसके बाद स्टिकी नोट्स। ये येलो वाले मेरे पास चार है 150 के, और वो उतना बड़ा जो है वो 75 का है। मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे। इसके बाद है बहुत सारे वॉशी टेप्स। मेरे को वॉशी टेप्स बहुत पसंद है। और फिर है कुछ नॉर्मल वाले टेप्स भी है मेरे पास। ये वॉशी टेप जर्नलिंग में भी यूज़ करती हूँ मैं। और ये पेपर टेप जो मैं वन टाइम यूज़ करती हूँ, ये वापस से वॉशी टेप है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और एक है डबल साइडेड टेप और ये है नैनो टेप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लू। कैमलिन का ग्लू बहुत गंदा था, आप ये जो देख रहे हो, जिस पर कुछ भी स्टिकर नहीं लगा है। और फेविकॉल तो मस्त है, ईस्ट ऑफ बेस्ट। फेविकॉल इज़ द ऑलवेज बेस्ट वन। एंड फिर हम पेंटिंग की मटेरियल की बात करते हैं। सबसे पहले तो वाटर कलर केक्स था जो मुझे ठीक पसंद है, लेकिन एक्रेलिक कलर्स मेरे फेवरेट है। पोस्टर कलर्स मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, जिससे मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी वही मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। फिर इसके बाद हमारे पास प्रीमियम क्वालिटी के क्राफ्ट पेपर्स। तो मेरे को युवा के यूज़ कर रही हूँ मैं, विच इज़ वेरी रीजनेबल प्राइस। और फिर उसके बाद है मिस्टर डी आई वाई का स्केच बुक। बाय गाइस, आप बताना आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा।